सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्री फायर का जो ग्राफिक्स है उसे आप स्मूथ कैसे कर सकते हो और ग्राफिक्स को स्मूथ करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। आज के इस वीडियो में आपको टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, यदि आपके डिवाइस का रैम और प्रोसेसर कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपके डिवाइस का रैम ज़्यादा है फिर भी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको नॉलेज मिल जाए ग्राफिक्स का। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सभी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री फायर के ग्राफिक्स को आप यदि लो करते हो तो फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा गाइस बहुत सारा है। इसका फ़ायदा गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारा फ़ायदे मिलता है। जैसा कि आपका डिवाइस का रैम कम है, प्रोसेसर अच्छा नहीं है, तो स्मूथ में रखने पर आपका डिवाइस ज़्यादा हैंग लैग नहीं करेगा, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा हीट नहीं करेगा आपका डिवाइस। और गाइस, इंटरनेट का जो प्रॉब्लम होता है, 999+ का जो प्रॉब्लम होता है, वह भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा यदि आप ग्राफिक्स को स्मूथ करके फ्री फायर गेम खेलते हो। तो गाइस ग्राफिक और गाइस आप स्मूथ करने से क्या नुकसान है, स्मूथ करने से क्या नुकसान होता है। तो स्मूथ करने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ ग्राफिक्स आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा। आप जब गेम खेलेंगे तब इतना अच्छा ग्राफिक्स आपको नहीं दिखाई देगा। तो वही है, तो वह इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है यदि आप स्मूथ में खेलेंगे। तो गाइज आपका गेम ठीक तरह से चलेगा, स्मूथली चलेगा, तो हैंग लैग आपका मोबाइल नहीं करेगा यदि आप स्मूथ में खेलेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके बाद गाइज मैं बता देता हूँ कि आप इसे स्मूथ में कैसे कर सकते हो फ्री फायर के ग्राफिक्स को। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंग्स में, सबसे ऊपर गाइस देख सकते हो सेटिंग्स, तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको इसे ही रखना है बेसिक में, और बेसिक में जाने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो ये अभी हमारा जो ग्राफिक्स है वह अल्ट्रा में है। तो आपको इसे यहाँ पर स्मूथ में करना है या फिर आप स्टैंडर्ड में कर सकते हो। यदि 3 GB रैम है तो आप स्टैंडर्ड में खेलिए, और यदि 2 GB रैम है तो आपको स्मूथ में खेलना है। स्मूथ में यदि आप खेलेंगे तो आपका डिवाइस ज़्यादा हैंग लैग नहीं करेगा, इससे आप छुटकारा काफ़ी हद तक पा सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी जान सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।